गूगल एडसेंस का अप्रूवल क्यों नहीं मिलता? अगर आप लोगों ने भी अपनी वेबसाइट को गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई किया और आपको अप्रूवल नहीं मिल रहा, गूगल एडसेंस वाले आपको बार बार रिजेक्ट कर रहे हैं, तो यार इस वीडियो में मैं आपका इश्यू सॉल्व करने लगा हूँ, एक वेबसाइट का रिव्यू करने लगा हूँ। आप लोगों ने क्या काम करना है, आपने देखना है कि इस वेबसाइट की तरह आप लोगों ने भी कोई मिस्टेक की है, इस ब्लॉग की तरह आपने कोई मिस्टेक की है। आपने बस ये देखना है कि इस वेबसाइट को कंपेयर करना है अपनी वेबसाइट से अपने ब्लॉग के साथ, ठीक है। अगर आपने इनमें से कोई भी एक दो मिस्टेक की है, उन मिस्टेक को आपने ठीक करना है, कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। वीडियो पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी। अगर आप लोग भी अपनी वेबसाइट का रिव्यू करवाना चाहते हो तो यार इंस्टाग्राम पे जल्दी से फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैसेज करो आपको भैया आपकी साइट का भी रिव्यू करेगा। तो चलो यार इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको दिखाते हैं आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल क्यों नहीं मिलता, आपने कौन कौन सी मिस्टेक कर रखी है जिस वजह से आपको अप्रूवल नहीं मिलता, यानी कि मिस्टेक्स के ऊपर बात होने वाली है कि गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेते हुए आप लोग क्या क्या मिस्टेक करते हो। चलो यार इस वीडियो को शुरू करें, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक ही बात कहूँगा जो अपनी हर वीडियो में आपसे कहता हूं, चैनल पे पहली दफा आए हो तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आ सके। सपोज आपने सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन प्रेस नहीं किया, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक आप लोगों ने बेल आइकन को प्रेस नहीं करना आप तक वीडियो नहीं आएगी। इसलिए आपने मेक श्योर कर लेना है चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लो। ये वो ब्लॉग वेबसाइट है जिसका मैं आपको रिव्यू करके दिखाने लगा हूँ और आपको ये बताने लगा हूँ ऐसी साइट्स के ऊपर आपको एडसेंस का अप्रूवल क्यों नहीं मिलता, या फिर आपको आपकी साइट पे एडसेंस का अप्रूवल क्यों नहीं मिल रहा। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको ब्लॉग दिखाते हैं, यहाँ पे 74 पोस्ट है और पोस्ट के ऊपर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इनके ऊपर ट्रैफिक ही नहीं है। अगर आपको ट्रैफिक नहीं आ रहा तो भूल जाओ, आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा, एडसेंस का अप्रूवल विदाउट ट्रैफिक मिल जाता है। लेकिन अगर आपके पास जीरो ट्रैफिक है तो आपको अप्रूवल नहीं मिलने वाला, थोड़ा बहुत ट्रैफिक हो तो अप्रूवल मिल जाता है। जैसे इस भाई के पास ट्रैफिक बहुत कम है, अगर है भी तो ये गूगल से नहीं होगा। यहाँ पे अगर स्टैट के अंदर आके मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे एक साल पुरानी ये वेबसाइट और यहाँ पे सिर्फ 38,000 का ट्रैफिक आया है। लास्ट मंथ में यहाँ पे 3100 और दिस मंथ देखो 2400 का ट्रैफिक है। अगर यहाँ पे आके देखा जाए मोर अबाउट दिस ब्लॉग के अंदर ट्रैफिक देखा जाए कहाँ से आ रहा है, तो देख लो यार यहाँ पे ट्रैफिक जो है google.com से सिर्फ 2% आया है लास्ट 7 डेज के अंदर। तो ये बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम है। देख लो आपके सामने ये इसका पूरा एनालिटिक्स, ठीक है, जो कि बहुत ही बैड है। तो अब बात कर लेते हैं क्या इस बंदे ने पेजेस बनाया। जी यार इस बंदे ने पेजेस भी बनाया है और इस बंदे ने मुझे बताया कि इसने वेबसाइट को एडसेंस अप्रूवल के लिए काफ़ी दफ़ा अप्लाई किया लेकिन इसे अप्रूवल नहीं मिला। अभी एज ए एडमिन मैं इसे चेक कर रहा हूँ इसलिए मुझे एडसेंस का एक्सेस नहीं मिला, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये रिजेक्टेड है साइट, ठीक है, एक दफा नहीं दो दफा नहीं बहुत दफा रिजेक्ट हुई है गूगल एडसेंस से। इसकी मिस्टेक्स मैं यहाँ पर निकालने वाला हूँ। तो चलो यार अभी साइट की मिस्टेक्स निकालते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ सबसे ऊपर टॉप पे आपके पेजेस आते हैं। देखो इस बंदे ने यहाँ पे पेजेस तो सिर्फ 4 ही बनाया जो बनाने चाहिए, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस, जो कि बेस्ट है, आपको ये 4 पेजेस बनाने हैं। लेकिन इसने मिस्टेक क्या की है, इसने यहाँ पे इन 4 पेजेस के साथ साथ बहुत सारी कैटेगरीज ऐड कर दी है, पोस्ट की कैटेगरी है जो वेन्यूज होती है इनको भी टॉप पे ऐड कर दिया। जब गूगल एडसेंस के बोर्ड्स यहाँ पे चेक करने आएंगे पेजेस के साथ साथ उनको यहाँ पे इतनी सारी कैटेगरीज भी देखने को मिलेगी तो ये बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट होगा। ये भी एक रीजन हो सकता है कि आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल ना मिले। यहाँ पे सिर्फ आपके 4 पेजेस होने चाहिए, यहाँ होम होना चाहिए या 4 पेजेस होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे दूसरी मिस्टेक यहाँ पे ये है, यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा 4 to 5 कैटेगरीज को ऐड करना होता है। यहाँ पे इस बंदे ने देखो बहुत सारी कैटेगरीज को ऐड कर लिया है जो कि बहुत बैड इफेक्ट करती है जब गूगल एडसेंस के बोर्ड्स आते हैं इस साइट को चेक करने। तो आपकी साइट पे जब वो आते हैं तो यहाँ पे 4 to 5 आपकी कैटेगरीज होनी चाहिए। सपोज यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी, हाउ टू मेक मनी, ब्लॉगिंग, रियल मनी, अर्निंग गेम्स, यहाँ पे सिर्फ 4 कैटेगरीज होनी चाहिए या फिर 5 होनी चाहिए, वर्क फ्रॉम होम, इससे ज्यादा कैटेगरीज यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। जब आप एक ही ब्लॉग के ऊपर मल्टीपल कैटेगरीज के अंदर लिखना शुरू करते हो तो आपको ट्रैफिक नहीं मिलता। गूगल सर्च कंसोल में भी अगर आपकी पोस्ट ऐड हो जाए लेकिन उसके बाद भी आपको गूगल के थ्रू ट्रैफिक नहीं मिलता, गूगल वालों को पता ही नहीं होता कि आप किस कैटेगरी पे काम कर रहे हो। अगर आप एक या 2 कैटेगरी के ऊपर काम कर रहे हो तो गूगल वाले भी आपकी साइट को रैंक करते हैं जब कोई बंदा सर्च करता है किसी पोस्ट को जाकर गूगल में। सपोज मैं यहाँ पे जाकर सर्च करता हूँ हाउ टू मेक मनी, यहाँ पे अगर इस पर्सन ने देखो यहाँ पे काफी सारी एड्स है, सबसे ऊपर नीचे यहाँ पे पोस्ट आना स्टार्ट हो गया। और इस पर्सन ने इस कैटेगरी सिर्फ एक कैटेगरी के ऊपर काम किया होता तो यहाँ पे यार 80% चांसेस होते हैं कि उस बंदे की पोस्ट भी इन पेजेस के अंदर पहले टॉप 5 to 10 पेजेस के अंदर उसकी पोस्ट आ जाती। लेकिन यहाँ पे इसने इतनी सारी कैटेगरीज पे काम किया तो गूगल वालों को पता नहीं चलता कि बंदा काम कौन सी निश पे कर रहा है, कौन सी कैटेगरी पे कर रहा है। तो एक चीज सीखने को मिली कि आपने यहाँ पे 4 to 5 कैटेगरीज को ऐड करना है, इससे ज्यादा नहीं। देन यहाँ
आप इस ब्लॉग के टेम्पलेट की बात कर ले तो ये टेम्पलेट बहुत ही फजूल तरीन है और यहाँ पे फ्री वाला वर्जन है। तो यहाँ पे नीचे करके दिखाऊ, यहाँ पे देख लो मेन्यूज वगैरह इसने इतनी ज्यादा ऐड कर दी है, रेलिवेंट पोस्ट जो होती है इतनी ज्यादा ऐड कर दी है कि आपका ब्लॉग ही बहुत बुरा देखने को लग रहा है, बैड इफेक्ट पड़ रहा है। गूगल एडसेंस के जब बोर्ड्स आएंगे तो उनको इतना सारा कुछ यहाँ पे कचरा देखने को मिलेगा तो वो कभी भी आपको अप्रूवल नहीं देंगे। उसके बाद नीचे करके अगर आपको दिखा दिया जाए, देखिए इसने इतने सारे टैग्स भी यूज कर रखे हैं, ये भी आपने हाइड करके रखना है टैग्स भी, और इतनी सारी पोस्ट आपने नहीं लगानी, ज्यादा से ज्यादा आपने 7 पोस्ट जो है रेलिवेंट पोस्ट के अंदर लगानी है, रिसेंट पोस्ट के अंदर या पॉपुलर पोस्ट के अंदर। उसके बाद ये काम इसने सही किया, अपने ब्लॉग के फुटर के अंदर पेजेस ऐड किए, ये बेस्ट काम किया इसने। लेकिन ये इसने जो टेम्पलेट यूज किया देख ले, यहाँ पे ये फ्री वाला टेम्पलेट है, रिडायरेक्ट करेगा आपको दूसरे टेम्पलेट के ऊपर, इसके ऑफिशियल टेम्पलेट के ऊपर। आपने फ्री वाला टेम्पलेट यूज नहीं करना, इस तरह का टेम्पलेट यूज नहीं करना। आप ट्राई करो न्यूज प्लस टेम्पलेट यूज, अगर नहीं पता भाई के चैनल पे आओ, यहाँ पे आके सर्च करो न्यूज प्लस टेम्पलेट कस्टमाइजेशन, एंटर करो। यहाँ पे देखो काफी वीडियो है, तो आप यहाँ पे आके कोई भी एक न्यूज प्लस टेम्पलेट की वीडियो देख लो, इनमें से कोई भी एक वीडियो देख लो, न्यूज प्लस टेम्पलेट को कस्टमाइज कर लो, इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है, और आपको एडसेंस का अप्रूवल भी मिलेगा। लेकिन वीडियो कंटिन्यू करने से पहले एक बात कहूंगा, चैनल पे पहली दफा आओ, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, आल के बटन पर प्रेस करना ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक आ सके। उसके बाद अब मेन बात कर लेते हैं कि पोस्ट इस बंदे ने कैसे लिखी है। इस पोस्ट को ओपन करके अगर आपको दिखा दिया जाए तो इस पोस्ट का देख लो, इसने टाइटल यहाँ पे दिया है। अब अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ थोड़ा सा तो यहाँ पे ऊपर पूरी मेन्यू यहाँ पे शो हो रही है, देखो ये जो मेन्यू है इसकी कैटेगरीज वगैरह यहाँ पे सारी शो हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए। तो आप लोगों ने न्यूज प्लस टेम्पलेट को कस्टमाइज करना वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और भी कुछ टेम्पलेट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, जो जो टेम्पलेट्स मैंने अपने चैनल पे बता रखे उनमें से कोई भी एक यूज कर सकते हो। उसके बाद देखो यार इसने पोस्ट यूज की, सबसे ऊपर टाइटल दिया, एक इमेज यहाँ पे यूज की, देन इन ग्रेडियंट्स इसके बताए यहाँ पे थोड़े से, उसके बाद ये इसका आर्टिकल कंप्लीट हो गया, ठीक है। इतने से वर्ड के ऊपर आप कह रहे हो आपको एडसेंस का अप्रूवल मिले, ऐसा नहीं होगा मेरे भाई। आपने मिनिमम 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखना है तब जाके अप्लाई करना है, तब जल्दी से जल्दी मिलेगा। कम वर्ड्स पे भी अप्रूवल मिलता है लेकिन वो चांसेस होते हैं 80% और 20%। कम पोस्ट के ऊपर आपको 20% चांसेस है आपको अप्रूवल मिले, लेकिन अगर आपकी 1000 वर्ड की पोस्ट है एक, तो आपको यहाँ पे 80% चांसेस है आपको अप्रूवल मिलेगा। और आपने आर्टिकल के अंदर इस बंदे ने सिर्फ एक इमेज यूज किया, आपने ट्राई करनी है कि आप 4 to 5 इमेजेस यूज करें, वो बेस्ट रहेगा, उस पर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और इसके अलावा एक और मिस्टेक लोग काफी करते हैं, वो ये करते हैं गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स नहीं करवाते अपनी वेबसाइट को, तो वो आपने करवाना है अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल के अंदर, लाजमी इंडेक्स करवाना, तभी आपकी साइट जो है गूगल में रैंक करने वाली है। अब ये देखिए इस पर्सन की वेबसाइट को गूगल में यहाँ पे सर्च करके देखे तो यहाँ पे ये वेबसाइट आ रही है, इसका मतलब इसने गूगल सर्च कंसोल के अंदर इंडेक्स कर रखी है अपनी साइट। तो आपने ये चीज देखनी है गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स हो। इसने यहाँ पे ये भी बेस्ट काम किया है कि इसने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रखी है, वो कैसे दी है वो भी दिखा देता हूं आपको। सेटिंग्स के अंदर आके यहाँ पे सबसे ऊपर टॉप पे आप ये डिस्क्रिप्शन देते हो, अपनी वेबसाइट का टाइटल देते हो, इसने टाइटल बहुत लंबा दिया है तो इतना लंबा आपने टाइटल नहीं देना, छोटा सा टाइटल देते हैं 2 to 3 वर्ड्स का, इससे ज्यादा वर्ड का नहीं। उसके बाद ये इसने डिस्क्रिप्शन ऐड कर रखी है जो मैंने अभी आपको दिखाई है वाली, ये आपने लगा कर रखनी है ताकि आपके इनमें से कोई भी एक वर्ड बंदा सर्च करे तो आपकी साइट उस कीवर्ड के ऊपर रैंक कर सके। उसके बाद ये देखिए इसके अबाउट अस का, कॉन्टैक्ट अस का पेजेस वगैरह आ रहे हैं, एक दो इसकी कैटेगरी भी रैंक कर रही है यहाँ पे गूगल के अंदर, फिर भी ट्रैफिक नहीं है क्योंकि पोस्ट की एसईओ नहीं कर रहा अच्छे से। सबसे बड़ी मिस्टेक ये पर्सन ये कह रहा था कि देखिए यहाँ पे अगर आके इसकी पोस्ट को देखा जाए तो इसकी पोस्ट की यहाँ पे एसईओ नहीं हो रखी, ठीक है, ये सिंपल एक पोस्ट लिखी है, कीवर्ड वगैरह का यूज नहीं किया, मेथड इंग्रेडिएंट ऐसे आपको अप्रूवल नहीं मिलता, अप्रूवल मिल भी जाए तो ट्रैफिक नहीं आता जिससे अर्निंग नहीं होती। तो आपने एसईओ करनी है, एसईओ करनी नहीं आती तो भाई के चैनल पर वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे आके आपने टाइप करना है एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट, इतना लिखोगे तो देखो यार यहाँ पे आके आपको मिल जाएगी एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखते हैं, ये देख लेना। उसके बाद आपने यहाँ पे कैटेगरी, हर एक पोस्ट की कैटेगरी एक ही रखनी है, या ऐसा नहीं है मल्टीपल कैटेगरीज आपने ऐड की, एक पोस्ट है उसकी कैटेगरी भी एक ही रखनी है। और लेबल आपने ये ट्राई करना है, ये वाले लेबल होते हैं, ये जो मेन्यू है जिस बंदे ने इतनी ज़्यादा ऐड कर रखी है, आपने 4 to 5 करनी है, ये लेबल होते हैं, ये मिनिमम भी एक हो और मैक्सिमम भी एक हो। उसके बाद यहाँ पे आकर लिंक के अंदर आके अपने कस्टम लिंक को जनरेट करना है, ठीक है, ये ऐसे नहीं रहने देना, कस्टम लिंक जो आपका कीवर्ड है, देखे फ्राइड आइसक्रीम या सपोज आपका कीवर्ड है तो इस कीवर्ड को आपने यूज करना है, ठीक है, परमा लिंक के तौर पे। उसके बाद सर्च डिस्क्रिप्शन इस पर्सन ने लगा रखी है, ये भी इसने बेस्ट किया, लेकिन इसने एसईओ नहीं की इसलिए इसकी सर्च डिस्क्रिप्शन का कोई फायदा नहीं है, अगर एसईओ होती तो इसकी सर्च डिस्क्रिप्शन का फायदा होता। आई होप यार आपने देख लिया इस वीडियो को, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि आपका एक लाइक मोटिवेट करता है मुझे इस तरह की नई नई वीडियोज लेके आने।
के लिए, इसलिए मेक श्योर कर लो वीडियो को लाइक कर दिया। और अगर आपने भी अपने ब्लॉग पे इस तरह की कोई भी मिस्टेक कर रखी है तो यार नीचे कमेंट में बताना हमने ये मिस्टेक कर रखी है, ताकि मुझे भी पता चले आपको फायदा होगा इस वीडियो को देखने का, और दूसरे लोगों को भी पता चले यार हमने भी ये मिस्टेक कर रखी है तो हम भी इस मिस्टेक को इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक आ सके। इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलना, इंस्टा का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है, जाकर वहां पर फॉलो कर सकते हो।